चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रामकृष्ण परमहंस के सदुपदेश, जिसका शीर्षक है धर्म। जब तक सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं हुआ, तभी तक धर्म विचार करने की आवश्यकता है। जैसे भ्रमर मधुपान करने के लिए जब तक पद्म पर नहीं बैठता, तभी तक भ्रम बनाता रहता है। जब वह पद्म पर बैठकर मधुपान करने लगता है, तब एकदम चुप हो जाता है, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। एक दिन स्वर्गीय महात्मा केशव चंद्र सेन ने दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाकर परमहंस जी से पूछा, अनेक पंडित बड़े बड़े शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, किंतु उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता, इसका क्या कारण है? परमहंस जी ने उत्तर दिया, जिस प्रकार गिद्ध, चील आदि पक्षी आकाश में उड़ तो बहुत ऊंचे तक जाते हैं, किंतु ऊपर जाकर भी उनकी दृष्टि सदैव पृथ्वी पर की मांस आदि गंदी वस्तुओं की ओर ही लगी रहती है। इन पंडितों की भी ऐसी ही दशा है। वे पढ़ते तो बड़े बड़े शास्त्र हैं, परंतु उनका मन सदैव कामिनी कांचन की ओर ही लगा रहता है। इसी कारण वे यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रहते हैं। जैसे खाली बर्तन जल में डुबोने से भक भक शब्द होता है, किंतु जब वह भर जाता है तब उससे शब्द नहीं निकलता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को ईश्वर लाभ नहीं होता, तब तक वह अनेक प्रकार के तर्क और वाद विवाद करता है, किंतु जब उसको ईश्वर लाभ हो जाता है, तब वह स्थिर होकर ईश्वर आनंद का उपभोग करने लगता है। विवेक और वैराग्य के बिना न तो शास्त्र का मर्म ही समझ में आता है और न धर्म लाभ ही होता है। सत और असत का विचार करना तथा देह और आत्मा को भिन्न समझना ही विवेक है। विषयों में अलिप्त रहने को वैराग्य कहते हैं। पंचांगों में वर्षा के विषय में बहुत कुछ भविष्यवाणी लिखी रहती है, किंतु पंचांगों को निचोड़ने से एक बूंद भी जल नहीं निकलता। इसी प्रकार पुस्तकों में अनेक धर्म कथाएं लिखी रहती हैं, किंतु उनको पढ़ लेने से ही कोई धार्मिक नहीं बन सकता, उसके उपदेशानुसार आचरण करने से ही धार्मिक बन सकता है। जैसे बाजार के बाहर खड़े होने से केवल एक ही प्रकार का हो शब्द सुनाई देता है, उसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता, किंतु भीतर जाते ही वह हो शब्द स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है। इसी प्रकार धर्म जगत के बाहर रहकर कोई धर्म भाव को नहीं समझ सकता। सब चीजें उच्छिष्ट है, केवल एक ब्रह्म ही आज तक उच्छिष्ट नहीं हुआ। वेद पुराण आदि कई बार मनुष्यों के मुख से निकलकर उच्छिष्ट हो चुके हैं, किंतु ब्रह्म क्या वस्तु है, इसे कोई आज तक अपने मुंह से नहीं कह सका। दो मनुष्य किसी बगीचे में गए। इनमें से जो मनुष्य अपने को अधिक बुद्धिमान समझता था, वह वहां जाकर आम के पेड़ गिनने लगा। कौन पेड़ में कितने फल लगे हैं, उनकी क्या कीमत होगी, इत्यादि बातों पर विचार करने लगा। दूसरा मनुष्य जो सीधा था, वो बगीचे के मालिक के पास गया और उसकी आज्ञा लेकर बगीचे के आम खाने लगा। अब कहिए, इन दोनों में कौन बुद्धिमान है? आम खाने में तो पेट भरता है, पर पत्ते गिनने से क्या लाभ? इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ वाद विवाद और झगड़ों में पड़े रहते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष भगवत कृपा प्राप्त करके इस संसार रूपी बगीचे में ब्रह्मानंद रूपी मधुर फल खाते हैं। चार अंधे स्पर्श द्वारा हाथी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। एक ने उसका पेट टटोला और कहने लगा कि हाथी खंभे के समान है। दूसरे ने उसकी सूंड पकड़ी और कहने लगा कि हाथी डाली के समान है। तीसरे ने उसका पेट टटोला और कहने लगा कि हाथी ढोल के समान है। चौथे ने उसका कान पकड़ा और कहने लगा कि हाथी सूप के समान है। इस प्रकार चारों अंधे उसके स्वरूप के विषय में झगड़ने लगे। इतने में एक पथिक वहां से निकला। उसने इनको आपस में झगड़ते हुए देखकर पूछा, भाई तुम लोग किस लिए झगड़ रहे हो? चारों ने सब वृतांत कह सुनाया। उस पथिक ने कहा, तुम चारों में से किसी एक ने भी हाथी के पूर्ण स्वरूप को नहीं जाना है। हाथी खंभे के समान नहीं है, किंतु उसके पैर खंभे के समान होते हैं। वो डाली के समान नहीं, वरन उसकी सूंड डाली के समान होती है। वो ढोल के समान नहीं, वरन उसका पेट ढोल के समान होता है। वह सूप के समान नहीं, किंतु उसके कान
सूप के समान होते हैं। इन सब के मेल से जो स्वरूप बनता है वही हाथी का पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण स्वरूप का ज्ञान होते ही चारों अंधों का विवाद मिट गया। जब तक परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य भिन्न भिन्न मतों में पार्थक्य देखता है, किंतु जो ही उसे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है त्यों ही वह भिन्न भिन्न मतों को उसके अंग स्वरूप समझने लगता है।